हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलडीसी एईएन 70% कोटा बाय एनडब्ल्यूआर नॉर्थ वेस्ट रेलवे ऑन द डेट 7 फरवरी 2021 में पूछे गए एस्टेब्लिशमेंट और जो राजभाषा सेक्शन है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में हमारे चैनल रेलवे पार्टनर को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और साथ में अपने कलीग्स और स्टाफ के साथ उसे शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द पर्सन इज नॉट अलाउड टू बी इंगेज्ड एज डिफेंस काउंसिल। ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पर्सन जो है वह डिफेंस काउंसिल के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो यह डी एंड ए आर से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल से। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे अ सर्विंग रेलवे एम्प्लॉई, दूसरा है अ रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉई, तीसरा है अ लीगल पेटिशनर, चौथा है ट्रेड यूनियन ऑफिशियल। ठीक है, तो जैसा हमें पता है डिफेंस काउंसिल क्या होता है, द चार्ज्ड एम्प्लॉई मे प्रेजेंट हिज केस विद द हेल्प ऑफ अनदर पर्सन हु इज नोन एज डिफेंस काउंसिल। ठीक है, तो जिसके ऊपर चार्ज लगा है वह डिफेंस काउंसिल की हेल्प ले सकता है, जैसे वकील होता है उस टाइप का। ठीक है, तो इट कुड बी रेलवे सर्विंग एम्प्लॉय हो सकता है वह डिफेंस काउंसिल के रूप में, रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय हो सकता है डिफेंस काउंसिल के रूप में, या ट्रेड यूनियन ऑफिशियल्स हो सकता है डिफेंस काउंसिल के रूप में, लेकिन एक लीगल पिटिशनर जो है वह डिफेंस काउंसिल के रूप में इंगेज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ में क्या, नॉमिनेशन ऑफ द डिफेंस काउंसिल शुड बी मेड विद इन 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी अथॉरिटी, है ना। तो जो इंक्वायरी अथॉरिटी है उसके अपॉइंट होने से विद इन 20 डेज जो है तो उसका नॉमिनेशन हमें करना होता है, चार्ज जिस पे चार्ज एम्प्लॉई है उसको करना होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है तो अलीगल पिटिशनर जो है ऑप्शन सी है वह आंसर होगा कि इसे अलाउ नहीं है। ठीक है, दैट इज नॉट अलाउड पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो लीगल पिटिशनर कांट बी द डिफेंस काउंसिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेनाल्टी ऑफ द कंपलसरी रिटायरमेंट, मींस व्हाट मेजर पेनाल्टी की बात हो रही है यहाँ पे। पेनाल्टी ऑफ द कंपलसरी रिटायरमेंट रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस इम्पोज्ड ओनली बाई। ठीक है, तो ये मेजर पेनाल्टी जो होती है किसके द्वारा इम्पोज की जाती है पूछा जा रहा है यहाँ पे। ऑप्शन ए अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ऑप्शन बी डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और कंट्रोलिंग ऑफिसर्स। ठीक है, तो जो यह पेनाल्टी ऑफ कंपलसरी रिटायरमेंट मेजर पेनाल्टी इज अपॉइंट बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नोटिस ऑफ फाइनल पेनाल्टी शुड बी साइंड बाय। ठीक है, द नोटिस ऑफ फाइनल पेनाल्टी किसके द्वारा साइन किया जाता है। ठीक है, तो नोटिस ऑफ फाइनल पेनाल्टी विल बी साइंड बाय होम बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ठीक है, किसके द्वारा होता है फाइनल पेनाल्टी जो होती है वो साइंड होती है किसके द्वारा, बाई डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ठीक है, ओके, एक और पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, टर्म आ रहा है जैसे इंक्वायरी अथॉरिटी, है ना। एक इंक्वायरी अथॉरिटी क्या होता है एक तरह से अगर देखें अपन, सो द ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाई द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, है ना। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो होता है, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी द ऑफिशियल्स नॉमिनेटेड बाई द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू कंडक्ट डिसिप्लिनरी इंक्वायरी, है ना। तो इज द इंक्वायरी अथॉरिटी। ठीक है, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी द्वारा जो है कुछ ऑफिशियल्स क्या है इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या, इंक्वायरी अथॉरिटी। ठीक है, ये इंक्वायरी अथॉरिटी में वह जो मेंबर है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का वह इटसेल्फ अथॉरिटी का मेंबर हो सकता है। इसके अलावा जो है तो वह किसी सिंगल ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है या सुपरवाइजर को अपॉइंट कर सकता है या कमेटी ऑफ द टू और थ्री और मोर ऑफिसर्स, क्या कैसा मैटर है उसके अकॉर्डिंग जो है वह अपॉइंट कर सकता है इंक्वायरी के लिए। ठीक है, कौन का अपॉइंट कर सकता है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट वुड बी द एप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, जैसे यहाँ बोला जा रहा है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ठीक है, What would be the appropriate disciplinary authority when staff working under administrative control of senior DEN? Senior DEN के administrative control में कोई staff अगर working कर रहा है यहाँ पे,
और मिसकंडक्ट परटेन करता है वह ऑपरेटिंग रूल और सेफ्टी रूल से रिलेटेड, ऑपरेटिंग रूल और सेफ्टी रूल से रिलेटेड अगर मिसकंडक्ट परटेन करता है, ठीक है, क्योंकि सीनियर डीएन बिलोंग्स टू व्हाट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेटिंग रूल्स को वह जो है तो वॉयलेट कर रहा है या सेफ्टी रूल को वॉयलेट कर रहा है, वह उससे रिलेटेड मिसकंडक्ट कर रहा है, तो इस केस में जो है तो और जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वह कौन होगा, ठीक है। तो इस केस में जैसे ऑपरेटिंग रूल है तो कायदे से वह मतलब सीनियर डीओएम का केस है, और सेफ्टी रूल है दैट मीन्स व्हाट, सीनियर डीएसओ सीनियर डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर उसका केस है, लेकिन क्योंकि यह जो वर्किंग हो रही है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ सीनियर डीईएन हो रही है, तो इस केस में जो है तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी विल बी द सीनियर डीएन इटसेल्फ। ओके, तो कौन होंगे, सीनियर डीईएन विल बी द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है, ठीक है, अगर सीनियर डीईएन इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन दिस केस, तो इस केस में जो हायर अथॉरिटी होगी उनसे दे विल बी द दैट पर्सन विल बी द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ओके, व्हाट इज मिनिमम सर्विस फॉर ट्रांसफर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे कि मिनिमम सर्विस जो है वह कितना है एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे, ठीक है, ऑप्शन ए इज 2 ईयर, ऑप्शन बी इज 3 ईयर, ऑप्शन सी इज 4 ईयर, ऑप्शन डी इज नो लिमिट, ठीक है। तो इस केस में आंसर क्या होगा, यहाँ पे नो लिमिट, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे जो है तो कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे मिनिमम सर्विस की, मिनिमम सर्विस की कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन अ रेलवे सर्वेंट प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बट ओनली माइनर पेनाल्टी इज इम्पोज, ठीक है, केप्ट अंडर सस्पेंशन है लेकिन केवल माइनर पेनाल्टी इम्पोज है, द ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेंशन पीरियड इज एज, ऑप्शन ए डाइज ऑन, ऑप्शन बी इज ड्यूटी, ऑप्शन सी इज नॉन ड्यूटी, ऑप्शन डी इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ठीक है। तो इस केस में जो है जो इसका सस्पेंशन पीरियड होगा वह क्या होगा, ऑन ड्यूटी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अप टू व्हाट लिमिट मैटरनिटी लीव मे बी कंबाइंड विथ एनी काइंड ऑफ लीव, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे 6 मंथ है, ऑप्शन बी इज 1 ईयर, ऑप्शन सी इज 2 ईयर एंड ऑप्शन डी इज अनलिमिटेड। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैटरनिटी लीव जो होती है 6 मंथ की है ना, मे बी कंबाइंड विथ एनी काइंड ऑफ लीव अप टू व्हाट लिमिट, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, दैट इज 1 ईयर, ठीक है, दैट इज 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 8 राजभाषा सेक्शन से रिलेटेड है यहाँ पे, व्हेन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वॉज पास्ड, ऑफिशियल लैंग्वेज लैंग्वेज एक्ट कब पास हुआ, कितना सिंपल क्वेश्चन है, सितंबर 14, 1949, दिस इज अ ट्रैप, ऑप्शन बी इज मई 10, 1963, ऑप्शन सी इज अक्टूबर 1, 1961, ऑप्शन डी इज जून 7, 1955, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मई 10, 1963 को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास हुआ और इसे अमेंड किया गया एज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल इन 1976 में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी इज, ठीक है, तो टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी होती है उसकी जो मीटिंग्स होती है वह कितने टाइम्स में होती है, कितने फ्रिक्वेंसी में होती है, तो वंस इन अ 6 मंथ, ऑप्शन इज वंस इन अ 3 मंथ्स, ऑप्शन इज वंस इन अ मंथ, ऑप्शन डी इज नन। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, वंस इन अ 6 मंथ, वंस इन अ 6 मंथ इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी डिफाइंड अंडर विच ऑफिशियल लैंग्वेज रूल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हो चुका है, रूल 9, रूल 10, रूल 1, रूल 3, इसका आंसर क्या होगा, रूल 10, रूल 10 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज टू हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी सो एज टू डिक्लेयर दैट एम्प्लॉयज ऑफ दैट ऑफिस हैव एक्वायर्ड वर्किंग नॉलेज इन हिंदी, मतलब कितने परसेंटेज एम्प्लॉयज को है तो वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी होना चाहिए जिससे कि उस ऑफिस को डिक्लेयर किया जा सके कि हाँ वह ऑफिस जो है तो उसे वर्किंग नॉलेज हिंदी का वर्किंग नॉलेज है, ठीक है। ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी इज 80%, ऑप्शन डी इज 90%। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी दैट इज 80%, अगर 80% स्टाफ को अगर वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी है तो इस केस में उस ऑफिस को डिक्लेयर किया जा सकता है कि हाँ वह जो ऑफिस है उसे हिंदी का नॉलेज है। तो इस तरह से हमने टोटल
11 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए, और जो सबसिक्वेंट वीडियोस इस पेपर के हैं उनको हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। चैनल में हमारे साथ बने रहिए और साथ में जो है तो इस वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे द्वारा जो वीडियोस डाले जा रहे हैं उसमें हम कंटिन्यूस ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लाइक की काफ़ी कमी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिससे आपका भी मोटिवेशन और मेरा भी मोटिवेशन अगले वीडियोज़ के लिए बना रहे बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।